चंद्रयान 3 का पूरे देश जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो कब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ले साउथ पोल पर। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। एक तरफ एस सोमनाथन और उनकी पूरी टीम इस विषय को लेकर काफ़ी गंभीर है और सालों से मेहनत कर रही हैं, और अब उसके बाद से आप समझिए किस प्रकार से वो इसरो में बैठकर, यानी कि जो उनका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑफिस में बैठकर 2400 घंटा इस पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन एक तरफ नेताओं का बयान भारत में ऐसा आता है कि लोग सोचने पर मजबूर जरूर हो जाते हैं। अब आप समझिए कि कोई इसमें सोमनाथन को ना जोड़ते हुए, ठीक है आप बाद में वैज्ञानिकों को जोड़ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप कह दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब समझने योग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इसमें कहां से आया। प्रधानमंत्री हैं वो देश के जरूर, लेकिन उनकी नेतृत्व कहां से आ गए। वो देश का नेतृत्व जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसरो का नेतृत्व तो एस सोमनाथन ही कर रहे हैं क्योंकि वही चीफ हैं इसरो के, और अब उसके बाद से उसके जो अधिकारी होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे वो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से कर रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं ये बात जो है आखिर उनके नेता क्यों कहते हैं। पहले बात हम सम्राट चौधरी की कर लेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की करेंगे। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में रहकर भाजपा को खूब बोलते थे। अब बात पहले सम्राट चौधरी की कर लें तो सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का हर एक तरफ से तारीफ करना चाहते हैं। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री जी का तारीफ उनसे छूट जाए। अगर कोई व्यक्ति कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व हो जाता है। अगर कोई डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है, एम्स बन रहा है, तो कहीं ना कहीं चलिए इसमें तो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व होता ही है। लेकिन अगर बात साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की करें, अगर बात इसरो की करें, तो उसमें प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कहाँ से आएगा। देश को भले ही वो अच्छे से चला रहे हैं, देश को भले ही वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लेकिन नेतृत्व तो हमेशा उस पर्टिकुलर थिंग का ही होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर संस्थान का ही होगा। कल गए अगर आप JNU की बात करिए, JNU में राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होती थी, वहाँ राष्ट्र विरोधी नारे लगते थे, तब उस समय क्यों नहीं प्रधानमंत्री के मोदी के नेतृत्व में वाली जो बातें हैं वो कही जाती थी, क्योंकि एक तरीके से देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अगर अच्छाई होती है चीज़ों में तो बुराई भी होती है, अच्छा होता है तो श्रेय ले लेते हैं, बुरा होता है तो दूसरे को श्रेय दे देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि 2019 में जो चंद्रयान 2 का जो सक्सेसफुल नहीं होने का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ऐसी अवधारणा है। जब आप सड़कों पर घूमिएगा, लोगों से बातचीत करिएगा, वो साफ साफ तौर पे ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाके बैठ जाएंगे केबिन में, जहां से बटन क्लिक होता है और सारा मॉनिटर होता है, तो आधे साइंटिस्ट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से ही कांपते रहेंगे। कुछ लोग नहीं कांपेंगे जो कॉन्फिडेंस में काम करेंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल जो है वो पालन जरूर करेंगे। लेकिन अब आप समझिए किस प्रकार से इस देश की विडंबना है कि अगर इस देश में कोई भी काम अच्छा होता है तो वो प्रधानमंत्री श्रेय ले जाते हैं, बजाय उन वैज्ञानिकों के जो 2400 घंटे दिन रात जग कर मेहनत करते हैं, दिन रात जग कर अपना खून पसीना एक करते हैं। तो उनके नेता जो होते हैं भाजपा के जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री जी के कसीदे पढ़ने का कोई कसर नहीं छोड़ते। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बस प्रधानमंत्री मोदी जी का तारीफ़ कर दिया जाए, JP नड्डा जी का तारीफ़ कर दिया जाए, अमित शाह जी का तारीफ़ कर दिया जाए, चूँकि अब सम्राट चौधरी जो हैं वो CM बनना चाहते हैं। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा में कुछ लोग कहते हैं और जनता भी ये बात कहती है। अब समझिए किस प्रकार से वो CM बनने के लिए अध्यक्ष पद तो पहले ही पा लिए और अब चाह रहे कि उनके समय में भाजपा 40 की 40 सीटें जीत जाए। ये चाहना कहीं ना कहीं गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेवार नेता हैं, आप विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं,
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उसके आप बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये कहते हैं, सबसे पहले आप वैज्ञानिकों को पहले कहते कि हम आपको बधाई देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन उससे पहले वो प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उनके कुशल नेतृत्व की बात करते हैं। अगर अब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें तो उनका भी एक ऐसा ही वीडियो और एक ऐसा ही बयान जो है वो सामने आया था, उसमें वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पर वो कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण और नेतृत्व उनका अच्छा है, इस कारण से आज चंद्रयान तीन जो है वो अब मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है साउथ पोल पर। समय का वो बेसब्री से इंतज़ार पूरे भारतवासी कर रहे हैं, यानी कि 6:04 पर जब साउथ पोल पर चंद्रयान तीन का विक्रम जब लैंड करेगा तब पूरे भारतवासियों के लिए वो गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। लेकिन उससे पहले ये नेताजी लोग सारा मूड ख़राब कर देते हैं लोगों का। वो ये कह देते हैं कि भाई मोदी जी हैं, मोदी जी ने सब कुछ किया है। अगर देश में पुलवामा में अटैक होता है, CRPF के जवान मारे जाते हैं, तो उस समय मोदी जी पर कोई राग नहीं हल पाता है, मोदी जी को उस समय कोई कुछ नहीं बोलता है, उस समय उनके बातों को लेकर नहीं कहता है कि भैया आपके चलते, आपके लूज़ होने के चलते RDX आया और इतने सैनिक मारे गए, गलवान घाटी की बात नहीं करता है लोग, लेकिन जहां अच्छी बात होती है वहां मोदी जी की बात ज़रूर आ जाती है। फिलहाल हम वो वीडियो आपको सुनवाते हैं जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान के लिए पूरी सफलता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जो देश के वैज्ञानिकों ने जो पूरी चीज़ों को स्थापित किया है, मेरी पूरी शुभकामना है कि वो पूरी तरह सफल हो और भारत का गौरव बढ़े। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से सम्राट चौधरी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी का के तारीफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिकों को भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वैज्ञानिकों को पहले बोलना चाहिए, भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।